उच्च गति अभ्यास खंड टू प्रतिलेखन संख्या 17 व 18 गति 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होने में समय शेष है 5 सेकेंड रेडी एंड स्टार्ट। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं वहां फैशन परस्त भी तैयार होते देखते हैं। हमारे साधारण गृहस्थ घरों की लड़कियां जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं तो धीरे धीरे वे भी वहाँ की फैशन परस्ती की
शिकार हो जाती हैं और सुंदर सुंदर बहुमूल्य साड़ियां एवं भांति भांति की साज श्रृंगार की वस्तुओं की नकल करने लगती हैं, जिससे अपने माँ बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती हैं। ऐसी शिक्षा प्राप्त कर जब वे स्कूल या कॉलेज छोड़कर जाती हैं तो उनका जीवन भार स्वरूप होने का भय रहता है, क्योंकि जीवन के कार्य क्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती और अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है। इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है। महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब अव्यवहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप में होता है, समाचार पत्र स्वदेश राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भांति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो जो अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए यह सभी के हित में है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत हो और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के समाचार पत्रों में जागृति की लहर आई है। उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी पत्रकारों की मांगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि समाचार पत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय, ये सभी उक्त समस्या को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा। समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं जानता हूँ कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह
कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रशासन का क्षेत्र हो, विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे। हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। यह कहना अनावश्यक होता कि कोई भी अधिनियम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। इन मामलों में अधिनियम के शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाएं? आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्रों की प्रतिनिधि संस्था है। प्रायः सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य हैं। स्टॉप।